की खास खबर, जमाते इस्लाम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 70 से अधिक बैंक खाते को सील। जम्मू कश्मीर में जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध के बाद पुलिस ने संगठन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने जगह जगह छापेमारी कर कई लोगों को गिरफ्तार किया है। इस छापे संगठन के 70 से अधिक बैंक खातों को सील कर दिया गया है। किश्तवाड़ा में एक छापे में 52 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार जब्त किया गया था। जमात ए इस्लाम नेताओं को भूमि संबंधित गतिविधियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है। इस ऑपरेशन में बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। जांचकर्ताओं ने अनुमान लगाया है कि संगठन के पास 4000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इस बीच अधिकारियों ने कहा कि यह देखना अवैध है कि संपत्ति अवैध है या नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को एक अधिसूचना जारी कर जमात ए इस्लाम पर जांच 5 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि नोटबंदी देश के कुशासन और कानून प्रवर्तन के कारण की गई थी। इसके चलते कश्मीर घाटी में 400 स्कूल, 350 मस्जिद और 1000 मदरसे हैं। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS News Live की खबर देखने के लिए MNS Hindi ऐप आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए।